if you can dream it then of course you can do it someone has said the secret of getting ahead is getting started so hello my friend without wasting your time start your journey and one day you will arrive at the door of your success so hello everyone this is Sidhu, and you are watching your channel Teacher. so today we are going to discuss example number 12 limits and derivatives example 12. ओके okay? ये बहुत आसान है बहुत आसानी से समझाऊंगा ओके okay? बिना देर के शुरू करते हैं देखो एग्जाम्पल ट्वेल्व में, में क्या कहा है एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स का है है ना तो देखो और हमें इसका डेरेवेटिव्स निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा है ना क्या है एफ एक डिया एक्स इक्वल टू कहते रहो कहते चलो कहते चलो लिमिट एच टेन टू जीरो एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स माइन डिवाइड बाई एच है ना ये रहा इसका फॉर्मूला है ना देखो आपको ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है ना देखो ये रहा इसका फॉर्मूला तो इस फॉर्मूला में हमें क्या करना है एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करना है और एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू भी पुट करना है तो एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू कितना है वो कैसे पता करेंगे तो देखो अगर एफ एक्स हमारा वन बाई एक्स हो गया तो एफ एक्स प्लस एच यानी एप एक्स हमारा वन बाई एक्स ओके तो अभी इस एक्स में एच ऐड कर देंगे ओके तो हम एक्स में हम एच ऐड कर देंगे ओके तो देखो इस साइड हम एक्स में एच को ऐड कर दिए ओके तो अभी हम इस साइड क्या करेंगे वन बाई एक्स था है ना तो इस साइड भी हम एक्स में एच को ऐड कर देंगे ओके बस इतना ही ओके देखो एप एक्स था एक्स में एच को ऐड कर दिया और इधर भी वन बाई एक्स था तो वन बाई एक्स में एच को ऐड कर दिया ओके मतलब कुछ ना समझने वाला कोई बात नहीं है समझवा रहे है, है ना तो देखो एफ एक्स प्लस एच इक्वल वन बाय एक्स प्लस एच है ना तो अभी एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू हमें मिला है एफ एक्स का भी वैल्यू मिला है तो डायरेक्ट उसको पुट कर दो यहाँ पे ओके तो लिमिट एच टेन टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू कितना है वन बाय एक्स प्लस एच है ना देन माइनस एफ एक्स कितना है वन बाई एक्स वन बाई एक्स देन डिवाइड बाई एच ओके इतना हो गया इतना होने के बाद ओके इतना होने के बाद अभी देखो इस ऊपर वाला में वन बाई एक्स प्लस एस माइनस वन बाई एक्स इन दोनों में एल्शियम क्या है एल्शियम ये है है ना एल्शियम क्या है एक्स प्लस एच इंटू में एक्स है ना ये एल्शियम रहा देन अगर ये एल्शियम रहा तो यहाँ इधर क्या होगा इधर एक्स होगा है ना एक्स माइनस और इधर एक्स प्लस एच है ना अगर आपको एल्शियम लेना नहीं आता तो कमेंट करके जरूर बताना मैं आपको मतलब एल कैसे लेते हैं वो भी समझाऊंगा ओके देन डिवाइड बाय एच है ना इतना समझ में आ गया देखो इधर एक्स ये एक्स एच इसका है ओके okay? तो यहाँ क्या है एक्स माइनस एक्स प्लस एच है ना ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस एच डिवाइड बाई एक्स प्लस एच इंटू एक्स डिवाइड बाई एच देखो इस एच के नीचे कुछ नहीं है मतलब वन है ओके कुछ नहीं है मतलब वन है ना तो देखो अब क्या करते हो अगर एम बाई एन डिवाइड बाई एक्स बाई वाई दिया हुआ अगर होगा तो अब क्या करोगे करोगे इसमें वाई को इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे है ना तो, तो बिल्कुल इसी तरह से वाई तो को एम में और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे है ना तो बिल्कुल इसी तरह से भी यहाँ पे इस वन को सबसे ऊपर वाला से है ना सबसे ऊपर वाला से और एच को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ओके तो गु� देखते हैं मल्टीप्लाई करने से कितना कितना होता है तो वन से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा एक्स माइनस एक्स प्लस एच ही रहेगा ओके देन डिवाइड बाय और एच को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा एक्स प्लस एच और इधर एक्स एक्स इंटू एच एच मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों के साथ है ना ये तो इतना हो गया तो इतना हो गया देखो अभी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर क्या है एक्स और अभी ब्रकट हटा हटा देते हैं ओके okay? तो माइनस का हम अंदर ले जाएंगे तो माइनस एक्स तो माइनस और प्लस एच मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एच है ना डिवाइड बाय और इधर एक्स प्लस एच जो था उसको वैसे ही लिख दो एक्स प्लस एच और एक्स इंटू एच ओके तो देखो अभी एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया है ना अभी क्या बचा देखो अभी इस एच से इस एच कैंसिल ओके माइनस सी सिर्फ रहा है, है ना देखो एक्स माइनस एक्स ये तो बिल्कुल कैंसिल हो गया देन माइनस एच था तो माइनस एच से हम एच को ही क्या एच को इस एच से क्या किया लेकिन यहाँ पे अभी के ऊपर में क्या है माइनस वन है है ये जो माइनस था माइनस है ना तो ऊपर में क्या है एच तो कट गया है तो कुछ नहीं है मतलब माइनस वन है है ना और नीचे क्या है एक्स प्लस एच एक्स प्लस एच इंटू में एक्स है ना ये एक्स इंटू में एक्स है ओके देखो हम इसको सॉल्व करके इतना आ गया है, है ना इतना मिल गया तो अभी देखो देखो अभी इसमें हम लिमिट एस स्टैंड टू जीरो नहीं लिखे हैं है ना आप आपको लिमिट एस स्टैंड टू जीरो सब में लिखना है ओके नहीं लिखने से चलेगा आप आखिर में ही लिख दोगे लिमिट एस टेन टू ज़ीरो देन इसको आप आखिर में भी लिख सकते हो और, और अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो हर स्टेप में ओके और एक्स प्लस एच इंटू में एक्स है ना तो देखो अगर इसको सॉल्व करोगे देखो लिमिट एस टेन टू जीरो है ना एस का वैल्यू जीरो हमें पुट करना है एस के बदले तो देखो इसमें हमें क्या करना है सबसे पहले हम क्या करते हैं इस x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर में ओके तो x को x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर देन x को x से मल्टीप्लाई करना तो x h होगा है ना अभी हम क्या करेंगे और इधर लिमिट h टेन टू जीरो अभी हम h का वैल्यू जीरो पुट कर लेते हैं ओके तो माइनस वन और इधर x का स्क्वायर है x का स्क्वायर और इधर x इंटू एक्स इंटू एच के बदले ज़ीरो ओके एक्स इंटू जीरो क्या जीरो ही होगा तो देखो इधर आंसर क्या आ रहा है आंसर क्या आ रहा है आंसर क्या आ रहा है माइनस वन डिवाइड देखो माइनस वन और नीचे एक्स का स्क्वायर और इधर प्लस एक्स इंटू जीरो ना जीरो तो जीरो में स्क् एक्स का स्क्वायर मतलब ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो आंसर एक्स का स्क्वायर ही आएगा तो आंसर है माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर है ना देखो बहुत इजी सवाल था है ना बहुत आसान सवाल था तो आई होप कि वीडियो पसंद आया पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए क्या है जय है ना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय गुड बाय टेक केयर सी यू गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स